सबसे पहले जो एक पढ़ी लिखी लड़की जो वेल क्वालिफाइड है, वेल सेटल है, एक प्रेस्टिजियस पोस्ट को, डिग्निफाइड पोस्ट को, गैजेटेड रैंक की पोस्ट को होल्ड करती है, और ऐसी लड़की के साथ इस तरह की हैवानियत की घटना, दरिंदगी की घटना पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है। और उससे भी अधिक शर्मसार करने वाली बात है कि ऐसे हैवानों के प्रति पूरा देश, हमारी कानून व्यवस्था, सरकार, सब कुछ, सब लोग कितने सहनशील हैं। कई बार ऐसी बातें उठती हैं कि भारत में असहिष्णुता हो गई है, रहने लायक ये देश नहीं रह गया है। और मैं देखती हूँ कि इस देश में सहिष्णुता काफी ज्यादा है। इस देश के लोग, इस देश की न्याय प्रक्रिया, प्रशासन, सब कुछ, सब लोग इतने ज्यादा सहिष्णु हैं कि कुछ जरूरत से ज्यादा ही ये देश सहिष्णु हो गया है, टॉलरेंट हो गया है। और इनका सहिष्णु होना कम से कम देश की बेटियों के लिए तो बहुत ज्यादा घातक है। एक बात आता है कि देश के प्रधानमंत्री लगातार दावा करते हैं कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए कई चीज किया, बड़े बड़े फैसले लेते हैं, तो ऐसे अपराधियों के प्रति क्यों नहीं बड़े फैसले लिए जाते हैं देश में? बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, एटीएन सिटी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की घटनाएं जब देश में होती हैं तो कई राजनेता ये सोचकर चुप हो जाते हैं, मुंह नहीं खोलते हैं, और खास करके महिलाएं भी मुंह नहीं खोलती हैं, खासकर जहां एक लड़की के साथ हत्या होती है। कम से कम जो मानवाधिकार संस्थाएं हैं उनको आगे आना चाहिए, महिला आयोग को आगे आना चाहिए, आम महिलाओं को आगे आना चाहिए, छात्राओं को आगे आना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं ये खास करके मुंह नहीं खोलते कि हम राजनीति अपनी पार्टी के खिलाफ कैसे बोले। मेरा ये कहना है कि इस तरह के जो मुद्दे होते हैं, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, कम से कम यहाँ राजनीति नहीं होना चाहिए। यहाँ राजनीति से ऊपर उठ करके वकालत करनी चाहिए, मानवाधिकार की बात होनी चाहिए, और इन मुद्दों पे कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी क्या करना चाहिए मैम? जो चारों आरोपी चिन्हित हो चुके हैं, पकड़ा भी गए हैं, उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच में थाने ले जाया गया, तो ऐसे में कई सवाल उठता है कि उनके साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि जनता कह रही है कि जब वो अपराध करते हैं तो उन्हें हम खुद सजा देने पर ही, यानी कहीं ना कहीं हमारा कानून व्यवस्था को यथार्थता बताते हुए दिखाई देता है। कानून व्यवस्था में देखिए, जहाँ तक हमारी सरकार की बात है, देखिए मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बोल रही हूँ, और यहाँ पे इस मुद्दे पे मैं कोई राजनीति नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का खून इतना खौल रहा है कि सच में अगर मेरे सामने वो दरिंदे आ जाए या मैं उनके सामने चली जाऊँ तो मैं स्वयं गला घोट दूँ, इतना व्यक्तिगत रूप से मेरे अंदर आक्रोश फैला हुआ है। अब तो अगर मेरे सामने वो आ जाए दरिंदे तो, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कानून को अपने हाथ में लेना भी उचित नहीं है, और जो सुरक्षा में उन लोगों को ले जाया जा रहा है कुछ इस वजह से कि अगर आम जनता के हवाले कर दिया जाए तो मॉब लिंचिंग का केस होगा, और मॉब लिंचिंग एक सभ्य समाज की निशानी नहीं है, ये बर्बरता का प्रतीक है, असभ्यता का प्रतीक है। कोई भी देश जहाँ कानून और व्यवस्था का राज है, शासन है, वो किसी भी अपराधी को भीड़ के हवाले नहीं छोड़ सकता है। तो ये हमारी एक बात तो ये उठता है कि जब निर्भया हत्याकांड हुआ था तो पूरा देश जल उठा था, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, कई तरीके के कानून लाए गए, पॉक्सो एक्ट के तहत उन आरोपियों को चिन्हित किया गया, लेकिन हुआ क्या है? फांसी की सजा उनकी हो चुकी है। अब चूंकि राष्ट्रपति महोदय के पास ये पावर होता है कि उसको दया याचिका उनके पास जाती है और वो उन पर डिपेंड करता है कि उसको माफ करे या नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति महोदय अब माफ़ करने वाले हैं, बहुत जल्द फैसला आएगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से, सरकार से, भारत सरकार से, भारत सरकार के कानून मंत्री जी से मैं ये हाथ जोड़ करके ये आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। जो निर्भया हत्याकांड फैसला जल्द से जल्द, कितना समय लेगा सरकार? बिल्कुल 2012 की घटना है, बलात्कार करने में कुछ मिनट लगते हैं लेकिन फैसले आने में वर्षों लग जाते हैं। जी, हमारी जो कानून व्यवस्था हमारे देश में है तो कहीं ना कहीं इसकी ये खामी है कि हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया काफी लंबी हो जाती है। तो मैं ये आग्रह करती हूँ प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, और देश के कानूनविदों से,
सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब से मैं ये आग्रह करती हूँ कि इस तरह के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इनका फैसला दिया जाए, काफ़ी स्पीडी इसका मुकदमे का निष्पादन किया जाए और जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जाए और कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी अपराधी इस तरह की हैवानियत करने की हिम्मत नहीं जुटा सके।